ऑलमोस्ट सारी मूवीज बुक से ली गई हैं, स्पेशली हॉलीवुड. आई थिंक ये जो अभी रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा आई है, फॉरेस्ट गम का रीमेक है. अच्छा पहले मुझे इस बारे में बताओ, जो ये फॉरेस्ट गम का रीमेक है, तुम्हें क्या लगता है बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? थोड़ा सा इससे हटके सवाल, तुम्हें क्या लगता है? यार मेरे ख्याल में लोग शायद मूवी को एज इन फॉरेस्ट गम की वजह से नहीं देखे, वो देखेंगे शायद जो एक्टर है ना आमिर खान, उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से. और एक तरह से रीमेक बनाना मेरे ख्याल में एक तरह से अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी इंडियन ऑडियंस होगी जिन्होंने वो मूवी देखी नहीं होगी, इस तक गुड चॉइस. ये नहीं लगता यार कि एक रीमेक ऑलरेडी एक जो मूवी बुक से ली गई है, आप उसी के मूवी का स्क्रीन प्ले एज इट इज छाप कर मामलात को सही रख सकते हो, मूवी को चला सकते हो, कि जिसने ऑलरेडी वो मूवी देखी हुई है वो क्यों इंटरेस्ट लेगा?